बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है क्रिस्पी चिकन डोनट्स की। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो चलें आए रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की नीड है इस रेसिपी को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले है हाफ कप मैदा, हाफ कप ब्रेड क्रम्स जो कि बाद में कोटिंग के लिए यूज़ होंगी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो हमने बारीक चॉप कर लिए, उसके बाद हमने धनिया लिया है उसको हमने बारीक काट लिए, उसके बाद एक छोटे साइज़ का टमाटर है उसको हमने बारीक चॉप कर लिए, हाफ शिमला मिर्च वो हमने बारीक काट लिए, और हाफ तीन जो सब्ज मिर्चें हैं वो हमने बारीक काट लिए, और दो आलू हमने लिए उनको चार पीसेस में हमने कन्वर्ट करके उनको बॉयल कर लिया। उसके बाद जो हमें मसाला जात चाहिए उसमें सबसे पहले एक चाय का चम्मच काली मिर्च, नमक हसबे जायका, और एक जो हमें चम्मच चाहिए वो हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमें एक चम्मच जो है वो गरम मसाला चाहिए और एक चम्मच हमें कसूरी मेथी चाहिए, और उसके बाद हमने हाफ कप जो है मायोनीज कर लिया है, और साथ में हमने 200 ग्राम चिकन बॉयल कर लिया और उसको बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद वो जो आलू थे बॉयल किए हुए उनको हमने बारीक बारीक मैश कर लेना है एक किसी बाउल में, क्योंकि हमने जो पेस्ट हमने तैयार करना है जिससे हमने अपने क्रिस्पी चिकन डोनट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें बारीक बारीक आलू को चॉप कर लेना है। उसके बाद जो हमने बॉयल किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो जो मसाला जात थे वो सारे हम इस पेस्ट में शामिल कर देंगे, जो जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में मैंने सारे बताए हैं। उसके बाद ग्रीन मिर्च है, फिर हमारी शिमला मिर्च, फिर बारीक कटा हुआ प्याज, और एक बारीक चॉप हुआ हुआ टमाटर, और सब्ज धनिया जो हमने बारीक काट के रख लिया था। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें एक चम्मच जो मैदा है जो मैंने स्टार्ट में बताया था वो हम शामिल करेंगे, और जो मायोनीज का हाफ बॉयल हाफ बोल हमने रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब एक जो अंडा है वो हम फेंट लेंगे और उसमें भी सब धनिया थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर बना था उससे ऐसे हमने गोल कबाब की शक्ल में हमने जो डोनट्स हैं वो हमने बना लेने हैं, और उसके बाद अगर आपके पास कोई ढक्कन वगैरह है तो उसकी हेल्प लेके भी आप इनमें सुराख करके इनको डोनट्स की शक्ल दे सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में किया है इसमें। फिर उस डोनट को हमने जो एक अंडा हमने फेंट लिया था उसमें डिप कर दें अच्छी तरह से। अंडे की कोटिंग उसके ऊपर करने के बाद फिर आपने उसको उठा के जो ब्रेड क्रम्स हैं उनमें रखना है और अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स की वजह से ही ये क्रिस्पी बनता है और इसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी आती है, तो ब्रेड क्रम्स लाजमी। ये दो हमने ब्रेड क्रम्स इनके ऊपर लगा के हमने इनको रेडी कर लिए, और अब इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करते हुए एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आग है वो आपने हल्की रखनी है, जो फ्लेम है चूल्हे का वो आपने लो रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, और इनका जो कलर है वो बहुत अच्छा है ताकि ये जले ना। तो ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट ये फ्राई होगा, उसके बाद ये अच्छी तरह से
हमारा जो क्रिस्पी चिकन डोनट्स है वो बन जाएगा।